डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीए ऑनलाइन पाठशाला। आज हम एपी जीपी एचपी पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे और हमने इस चैप्टर की थ्योरी को फिनिश कर लिया है, तो हम इस टॉपिक में बॉटम टू टॉप पे चलेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है और ये आपके आईआईटी मेंस में भी आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू क्वाड्रेटिक ऑफ टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 and 4 रेस्पेक्टिवली, देन दिस इक्वेशन इज, और उसके आपको ये चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़िए, तो क्वेश्चन को पढ़ने से पता लग रहा है कि AM एंड GM 9 and 4 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हुआ आपके पास AM मिला है 9 और GM मिला है 4। अब यहां पर बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 9 and 4, और आपको केस फर्स्ट से पता है, जब मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया उस टाइम केस फर्स्ट जो कराया वहां से आपको पता होगा कि AM होता है A प्लस बी अपॉन 2 और ये आता है 9, और ऐसे ही GM होता है रूट AB इक्वल टू 4। अब देखिए, इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करिए तो देखिए क्या आएगा, 18। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आप ऐसा समझ सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई विद 1 एंड 2 मल्टीप्लाई विद 9, देयरफॉर वी गेट a प्लस बी इक्वल टू 18। और यहाँ पर स्क्वायर रूट ए बी है, और अब हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो ए बी इक्वल टू 16 मिलेगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो किसके इक्वल आता है, 0। ये चीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है। और उसके बाद आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी आपके पास है 18। एक्स देखो, सम ऑफ रूट्स, आप इस पूरी इक्वेशन के रूट ए और बी अज्यूम करके चल रहे हो, तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास इक्वेशन फर्स्ट से 18 मिली है। और वैसे ही अगर मैं बात करूं ab की, तो ab की वैल्यू आपके पास 16 है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आपने 16 रखी, और ये आपने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब आप ऑप्शन देखिए कि आपका किस ऑप्शन से ये वैल्यू मैच कर रहा है। तो ये पहला ऑप्शन देखो, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमने इस आईआईटी मेंस के क्वेश्चन को, जो कि 2004 में आया था, उसको सोल्व कर लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ए बी सी डी आर इन एच पी, देन हमको क्वेश्चन सोल्व करना है कि ए बी ग्रेटर देन सी डी होगा, या ए सी ग्रेटर देन बी डी होगा, या ए डी ग्रेटर देन बी सी होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको 3 digits बोल दिया जाए कि आर इन एच पी, तो आपको लेना है 236 आर इन एच पी। इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 6। ये बात आपको हमेशा लर्न रखना है। अब यहाँ पर ए बी सी डी बोला है कि एच पी में है, तो ये तो कॉन्सेप्ट 3 digits के लिए है। अब हम 4 digits की बात करेंगे, तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। देखिए, लेट इसको बोलते हो, डायरेक्ट लिखो ए बी सी डी आर इन एच पी
तो हम इसके पैरेलल एच पी अज्यूम कर लेंगे और वो क्या करोगे 6, 8, 12, 24 आर इन एच पी, और ये भी आपको हमेशा लर्न रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, तो आपको इस बारे में भी ध्यान रखना है। और यहाँ से क्या हुआ, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 12 और डी इक्वल टू 24। अब देखो, पहला पहले के इक्वल कर दिया, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के और फोर्थ फोर्थ के इक्वल कर दिया। अब आप इन ऑप्शंस में इन वैल्यूज को पुट करके देखो, जो वैल्यू इन ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर देगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखो आप क्या है, ए बी ग्रेटर देन सी डी। तो ध्यान देना, ए का वैल्यू 6 × 8 ग्रेटर देन, सी का वैल्यू 12 × 24। अब इसको सोल्व करने की आपको नीड नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपको 48 मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 48 से तो ग्रेटर देन मिलेगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, और फॉल्स है तो हमारा आंसर ए कभी नहीं हो सकता। अब आप इसको सोल्व करके अपने से देखोगे 48 ग्रेटर देन ये है या नहीं है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 6 × 8 = 48 होता है। ऐसे ही अगर इसको करके देखते हो तो ये 288 आता है, और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है लेकिन साइन में किसको दे रखा है, इसको ग्रेटर देन बताया है, तो 100% ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। और जब फॉल्स है तो ऑप्शन ए कभी भी सही नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं, और देखिए बी ऑप्शन क्या है, ए सी ग्रेटर देन बी डी। तो ए सी क्या है, 6 × 12 ग्रेटर देन बी का वैल्यू 8 × 24, और ये क्या हुआ, ये आ गया 72 ग्रेटर देन 192, और ये भी क्या आ गया, फॉल्स। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 192 ये किससे ग्रेटर देन है, 72 से, तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं और उसमें भी इसी प्रकार से वैल्यूज को पुट करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम ट्रिक्स सीख रहे हैं ये एपी एचपी और जीपी के चैप्टर में कम से कम हम 90% क्वेश्चंस को केवल ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं, और केवल हमें 10% क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें सब्जेक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए, AD ग्रेटर देन BC, तो क्या होगा, A का वैल्यू क्या है 6 और D का वैल्यू क्या है 24, और ग्रेटर देन क्या होगा 8 × 12, और यहाँ से आया 144, ग्रेटर देन क्या आ गया 96, और ये 100% क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया वो ऑप्शन नंबर सी करता आया।